दोस्तों मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इन शब्दों के रूप नहीं बदलते, इसलिए इसे अव्यय कहा जाता है। अव्यय का अर्थ है कि जो व्यय न हो, व्यय मतलब जो खर्च न हो, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई भी परिवर्तन या चेंज ना हो, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर परिस्थिति में अपने ही मूल रूप में रहते हैं। यहाँ पर मैं कुछ यूँ तो अव्यय कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उसके प्रकार बताने के लिए मैं अगर गया तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और आपको बोरिंग ही फील होगा। इसलिए मैं सिर्फ अव्यय का अर्थ क्या होता है और उसके कुछ उदाहरणों का अर्थ यहाँ पर बताऊँगा। ये सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सब जगह। सब जगह का ना तो कोई लिंग, ना तो कोई वचन, ना पुरुष, ना कारक, ना काल, सब जगह का मूल रूप सब जगह ही रहेगा, सर्वत्र ही रहेगा। ऐसे ही कुत्र माने कहाँ, वेयर, अद्य माने आज, टुडे, हा मतलब कल, जो बीता हुआ है, यस्टरडे, स्वह मतलब कल, आने वाला, टुमारो, परस्वह मतलब परसों, डे आफ्टर टुमारो, अत्र, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, वेयर, अत्र माने यहाँ, हेयर, यथा माने जैसे, तथा माने तैसे, एवं मतलब ऐसे, कथम मतलब कैसे, सदा मतलब हमेशा, ऑलवेज, कदा मतलब कब, वैन, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, अधुना मतलब अब, अधुनैव मतलब अभी, कदा मतलब कभी भी, पुनः मतलब फिर, च मतलब और, न मतलब नहीं, ही मतलब ही, वा मतलब या, अथवा मतलब या, अपि, अपि मतलब भी, तो मतलब लेकिन, तो, बट, शीघ्र, शीघ्रम मतलब जल्दी, हरियप, समय मतलब धीरे धीरे, स्लोली, धिक मतलब धिक्कार, प्रति मतलब और, बिना मतलब बिना, सह मतलब साथ, कुता माने कहाँ से, फ्रॉम वेयर, नमः माने नमस्कार, स्वाति, स्वास्ति, कल्याण हो मतलब आपका भला हो। तो ये कुछ अव्यय इस वीडियो के थ्रू मैंने बताया है और आशा करता हूँ कि आपको इसका अर्थ मालूम हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करना ना भूलिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम संस्कृत की अलग अलग क्लास अपने वीडियो में डालते रहते हैं। धन्यवाद।